ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਕਾ ਜਾਵੇ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਯੇ ਬੇਬੀ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमरिक सुखदेव ढाबा पे जो कि मूर्थल में है। हमको फैदवा से यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे हैं। कितने किलोमीटर था सिलू? ये 90 किलोमीटर ये फैदवा से है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे दिखता कैसे है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे देखे, क्योंकि बहुत चहल पहल है, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। किसी टाइम पे एक ढाबा हुआ करता था, एक बार तो आप जरूर आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपको खाने का फीडबैक हम देते हैं, खाना कैसा है। अभी जा रहे हैं टेबल पे, देखते हैं कि कैसा। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की आप टेंशन, पार्किंग के लिए बहुत अच्छी है। इस टाइम पे यहाँ पे कम से कम 400 से 500 गाड़ियाँ होंगी इस ढाबे पे ही बस। और बगल में ही यहाँ पे एक गरम धर्म नाम से ढाबा है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे भी हम चलेंगे। तड़कता भड़कता मिलेंगी। तो चलो चलते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ का बेस्ट क्या है? आलू परांठा। और यहाँ वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है। प्राइस क्या है आलू बेस्ट परांठे का? कुछ टैक्स वगैरह भी होता है? टैक्स होता है 65 जो यहाँ का बेस्ट है। थैंक यू। कैसा है?
आया। खाना मौसम था, अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक आलू प्याज का परांठा यहाँ का फेमस है, वो ट्राई कीजिए। और दूसरा है कि खीर, इतने पैसा वसूला, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। खीर थी आई थिंक 65 या 70 की खीर थी, और परांठा 60 का परांठा था, आलू प्याज परांठा। और हमने एक ट्राई किया था पनीर परांठा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वहाँ पे आ रहे हो तो पी के अगर आ रहे हो तो ज्यादा हरकत मत करो, क्योंकि वहाँ पे बाउंसर भी है जो कि आपको 2 मिनट में वहाँ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं। हमारे सामने की बात है भैया, बता रहे हो पकड़ के बेलेंगे तो।